हेलो स्टूडेंट, आज हम देखते हैं सीबीएसई बोर्ड का फर्स्ट पेपर इंग्लिश का, है ना, क्लास 12th का। तो इसमें देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या फेस किया है एग्जाम हॉल में और कैसा रहा पेपर और क्या क्या इसमें किन किन पॉइंट्स पर हमें ध्यान देना चाहिए। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 11th से 12th में जा रहे हैं उनको किस किस पॉइंट्स पर फोकस करना है वो हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। सो माय नेम इज शशि त्रिपाठी एंड आई एम फ्रॉम क्लास 12th। इंग्लिश का पेपर मेरा अच्छा गया एंड पेपर एज यूजुअल मतलब इंग्लिश का तो आता ही है लेंथी, तो वो लेंथी ही आया एंड क्वेश्चंस जो थे काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, मुझे इतने ट्रिकी लगे नहीं। एंड टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, इसमें ये मैंने चीज़ ऑब्जर्व करी, क्योंकि पेपर काफ़ी लेंथी भी आता है एंड आपको फोकस भी करना रहता है कि आपको क्या क्या लिखना चाहिए उसमें। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो मैंने पहले तो राइटिंग सेक्शन अटेम्प्ट किया था, उसके बाद फिर मैंने लिटरेचर किया, फिर लास्ट में मैंने अनसीन पैसेज वाला अटेम्प्ट किया था सेक्शन में। तो पूरा टाइम मैनेजमेंट हो गया था। हाँ, मेरा कोई क्वेश्चन छूटा नहीं। अच्छा, तो क्या लगता है कि जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको किन पॉइंट्स पर इसमें ज्यादा फोकस करना चाहिए? इसके लिए प्रेजेंटेशन पर फोकस करना चाहिए कि आप किस तरह से लिख रहे हो, लाइक कोई भी आंसर लिखने का पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेन पॉइंट, उसके फिर कंक्लूजन, तो वो उस पर फोकस करना चाहिए। एंड राइटिंग जो स्किल्स होती है उसमें जनरली क्या होता है कि अगर वहाँ पर पहले तो नर्वसनेस होती है वहाँ पर जाके, तो क्या हो जाता है कि लोग ना फॉर्मेट ना मतलब उसका भूल जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप बार बार उसको प्रैक्टिस करो दो तीन बार अगर लिखने की अच्छे से, तो आप अच्छे से राइटिंग स्किल अच्छे से कर पाओगे। अच्छा, चलिए ठीक है। तो मतलब ओवरऑल पेपर ठीक था, मॉडरेट था कि लेंथी था? लेंथी था लेकिन अगर जिसका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है वो अच्छे से कवर कर पाया होगा, अच्छे से कवर कर जाएगा। और साथ में प्रेजेंटेशन पर भी ध्यान देना है। अच्छा, और साथ में प्रेजेंटेशन पर भी ध्यान देना है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। तो स्टूडेंट्स, आपको इस बात पे फोकस करना है कि जो भी आपका फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन होगा उसको आप सबसे पहले कर लें, ताकि क्या बाद में फॉर्मेट का मिसमैच ना हो या मिक्स नहीं हो पाए और आप फॉर्मेट को भूल ना पाए, राइट? यस। तो इसमें हमें फोकस क्या करना है कि जो फॉर्मेट वाले क्वेश्चन है उसको सबसे पहले कर लेना है, तो उससे ये होगा कि आपका फॉर्मेट मिस नहीं होगा और प्रॉपरली आप अटेम्प्ट कर पाओगे। मैंने आपकी वीडियो देखी थी यूट्यूब पर कि कैसे स्ट्रेटजी वगैरह थी कि कैसे अपन सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, और आपने टाइम मैनेजमेंट का भी वीडियो डाला था एंड वो काफ़ी हेल्पफुल था मेरे लिए कि कैसे टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है और प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना है, वो सब चीज़ें उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। तो स्टूडेंट्स, आपको इस चीज़ पर भी ज़्यादा फोकस करना है ना कि टाइम मैनेजमेंट पे। देखो, जो आप एग्ज़ाम में पेपर में रिप्रेजेंटेशन आपका बहुत बेहतर होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर कोई चाय बेच रहा है वो 5 रुपीज़ की भी बेच रहा है और 50 रुपीज़ की भी, मतलब यहाँ पर टोटली जो रिप्रेजेंटेशन का इशू है ना, तो जैसे हम किसी भी क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका बहुत बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। उसको जितना अच्छे से आप रिप्रेजेंट करके दोगे उसके हिसाब से वो आपको मार्क्स देगा, ठीक है। तो पूरा बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन करेगा कि उसके आंसर्स को किस टाइप से फ्रेम कर रहे हो, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।